वेलकम टू चैनल तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है दे थिंक अबाउट यू वो आपके बारे में क्या सोचते हैं किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है आपसे क्या कहना चाहेंगे या उनका ओवरऑल व्यू आपको के लिए क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी आप उसे एज एट इज़ छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेलाइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को इन्जॉय कर पाए अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Cups, okay. यहां पे देख रही है, आपको लेकर कैंसर स्कॉर्पियो की आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ हॉर्स मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं तो सबसे पहले ये चीज है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं ठीक है और यहाँ पे दो सिचुएशंस है कुछ लोगों के लिए ये नो no कॉन्टैक्ट ही सिचुएशन होगी और कुछ लोगों के लिए जो है आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो या कम बातचीत कर रहे हो बिज़ी हो सकते हो इस तरह की चीज़ है तो वो जो है आपसे खुलकर बातें करना चाहते हैं आपको जानना चाहते हैं आपकी फैमिली में क्या हो रहा है आपकी डेली uh, लाइफ में क्या हो रहा है इस तरीके से ठीक है तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं हो सकता है आपको Uh, मतलब देख के उनके मन में ऐसा चीज़ होती हो कि uh, काश ये व्यक्ति मेरे पास हो जाए या मेरे को गले लगा ले तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है वो जो है थोड़ा आइडियलाइज करते हैं आपको ऐसी एनर्जी है नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा नाइन ऑफ हॉर्न्स ओके उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ना डिटैच्ड हो चेरियट अभी बताती हूँ कैंसर एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके ऑफ ये पर्सन बारे में सोचते हैं ओवर थिंक करते हैं इसको चेक कर लेते हैं ओके तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है जो मैंने आपको बताया कि दो सिचुएशंस है जो नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है तो ये पर्सन जो है वो ये सोचते हैं आपके बारे में फीलिंग्स में ये है कि वो अगर कुछ भी बोलेंगे जैसे हुआ होगा उनके साथ या वो कुछ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन चीजें जो है वो उलझ जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसलिए वो चुप ही रहना पसंद करते हैं लेकिन उनका मन जो है वो आपसे बात करने को है अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन नहीं है तो जिस पर्सन से आप चैटिंग कर रहे हो बात कर रहे हो किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो ये पर्सन आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि नाइन ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स आया एक तरीके से टेन ऑफ सॉर्ड्स हो गया कि जो आपका पास रहा है या जिस वजह से आप ओवर थिंक करते हो उस चीज को आपको स्टॉपेज लगानी है लेट गो करना है ठीक है तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं ये पर्सन आपका इंतजार करना चाहते हैं आपसे बात तो करना ही चाहते हैं लेकिन अगर आप अपसेट हो या आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो तो वो आपका इंतजार करेंगे चाहे फ्रेंडशिप लेवल पे ही हाई हेलो होती रहे उनके लिए वही बहुत है तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं द एम्प्रेस अच्छा कार्ड आया है नेक्स्ट आ आया द मून थ्री ऑफ कप्स ओके फोर ऑफ द टावर और लास्ट में आ रहा है एस ऑफ कप्स है ठीक है और टू ऑफ कप्स है तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ पाओ कमिटमेंट क्रिएट कर पाओ लेकिन उसमें जो व्यूअर हो जो आप हो आप शायद डर रहे हो या फिर ये हो सकता है कि आपकी कोई इश्यूज हो अपने अपने इश्यूज होते हैं कि भाई अभी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हो या फंसना नहीं चाहते हो कुछ भी ठीक है तो ऐसी एनर्जी है क्योंकि स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं आया है रीडिंग में तो मैं इसलिए ऐसे आपको बता रही हूँ तो उस चीज़ को जो है वो ओवरकम करना चाह रहा है टावर का कार्ड है वो यही चीज़ है कि आपकी जो पुरानी वर्जन है या पुरानी चीज़ें हैं या ऑबस्टिकल्स है परेशानियां हैं उसको हटा देना पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर देना और फिर जो है एक नई शुरुआत करना हालांकि यहाँ पे मून भी आया तो आपको अपनी इंट्यूशन पे या जो गट फीलिंग आपकी हो उस चीज़ को मानो कि आपको अगर गट फीलिंग में ये आता है कि ये पर्सन मेरी परवाह करता है या करती है जो भी जेंडर हो और इसके साथ मेरा भविष्य जो है वो ब्राइट हो सकता है तो मैं उधर जाऊंगा या जाऊंगी और अगर ऐसा नहीं लगता है आपको आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है या क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो फिर आप अपने लव वन से या फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हो, हो सकता है आपका जो क्वेश्चन आ रहा है या गट फीलिंग आ रही है वो ओवर थिंकिंग की वजह से हो ऐसी भी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया फोर ऑफ वॉर्ड्स आया उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर कट है कि वो आप में इंटरेस्टेड है रोमांटिकली और उस कमिटमेंट को जो है वो अच्छे से निभाना चाहते हैं ये नहीं कि जैसे होता है कि चलो अभी तो बहुत ज़्यादा क्रेज है शादी करने का शादी कर लो शादी कर लो और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही हनीमून फेज से बिल्कुल हट गया व्यक्ति तो ऐसी चीज नहीं है वो आपके साथ आ, मतलब लाइफ को फ्यूचर को देखना चाहते हैं उसको जीना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक कह सकते हैं फ्रेंडशिप जो है वो रखना चाहते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोजनेस में हो ठीक है मैरिज में अगर फ्रेंडशिप आ जाए ना तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है समाज में वो सब जो है वो हट जाएगी और लोग उस चीज को कुछ अलग ही तरीके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की तरीके से ले लेते हैं इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर फ्रेंडशिप हो ना तो फ्रेंडशिप के तरीके से अगर आप चलोगे तो आप ना कभी अपनी शादी से बोर रहोगे ना कभी जो है आपके रिलेशनशिप पर ज़्यादा खटास आएगी और आपने एक दूसरे को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे तो ये चीज़ यहाँ पे उनके फीलिंग्स में आता है वो आपके बारे में यही सब चीज़ें सोचते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ एक जो है न्यू बिगनिंग हो पाए एस ऑफ कप्स है खासकर रिलेशनशिप में और टू ऑफ़ कप्स भी आए प्रोग्रेशन है यहाँ पे ठीक है तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए पहला ये आया है। आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो ये पर्सन हेजिटेट नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा आपके लिए ये है ठीक है तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा ही फीलिंग हो रहा है कि ये पर्सन के सपने में आप आते हो प्लेफुलनेस लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी जो मैंने कहा कि फ्रेंडशिप होगी या प्लेफुलनेस हो गया वो जरूरी है लाइफ में लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी हैव सम फंड टूगेदर एंड रिमेम्बर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर यहाँ पर ये चीज़ है और नेक्स्ट आई अब ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अदर आर द क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेज इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो चीज़ें आप एक दूसरे में पसंद करते हो वो तो एडमायर करो ही लेकिन जो चीज़ें नहीं भी पसंद करते क्वालिटीज़ नहीं पसंद करते हो उसमें भी जो है जो एडजस्टमेंट कर सकते हो वो एडजस्टमेंट करो और उसको हेट नहीं करना है उसको जो है एक रिफ्लेक्शन के तरीके से देखना है और आगे बढ़ना है तो ऐसी एनर्जी यहां पर आ रही है चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए तो यहां पे जो है एक बिग यस yes आया है तो जो स्पिरिट वर्ल्ड है या ईश्वर जिसको भी आप मानते हो वो जो है आपका साथ दे रहे हैं लक आ रहा है हैप्पीनेस आ रही है और जो आप चाहते हैं वो हो रही है मनी जो है वो यहाँ पे एक कटर आया है अबंडेंस आपके पास आ रही है हिडन सरप्राइजेस है यहाँ पे बॉटल ओपनर भी आया है अपने इमोशंस को जो है आपको एक्सप्रेस करना है ये नहीं कि भागना है सक्सेस आ रही है यहाँ पे प्रेगनेंसी है और ट्री ऑफ लाइफ भी है ट्री ऑफ लाइफ वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो आगे जो भी करना है वो आप करते जा रहे हो और एक मज़बूत कह सकते हैं नींव जो है वो अपनी लाइफ की रख रहे हो तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे मनी पे जो है कटर आया है तो वो चीज़ है कि जो आप बार बार नेगेटिव सोचते हो कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या मुझ में कोई कमी है या सबका हो जाता है सबकी ज़िंदगी अच्छी है या सबकी किस्मत अच्छी है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है तो ऐसे नहीं सोच रहे ठीक है थीके? बस इतना सा ही है और ईश्वर जो है वो आपके साथ है और एक बिग यस आया है आपके लिए जो भी आप सोच रहे हो करने की या आपको डाउट है कि ये हो भी पाएगा या नहीं तो उसमें जो है बिल्कुल ये सारा है आपको बस स्टेप्स लेने हैं ठीक है तो ऐसी एनर्जी चलिए देखते कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए धीमे धीमे से जुबेदा मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कुछ इस तरह आतेफ असलम का तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक